दियोन पंचायत है, इसको हमने सिलेक्ट किया है। वाटरशेड डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट रहता है नाबार्ड का, उसके अंदर वाटरशेड प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि एरिया ट्रीटमेंट। गाइड किया हुआ है इधर, लोगों को अवेयरनेस दी है, तो इसलिए हमने ये लगाए हुए हैं। इसमें दियोन पंचायत है, इसको हमने सिलेक्ट किया है। वाटरशेड डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट रहता है नाबार्ड का, उसके अंदर वाटरशेड प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि एरिया ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम सॉइल इरोजन वगैरह कैसे रोकते हैं, स्टोन गली प्लग बनाते हैं, प्लांटेशन कराते हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्म बंडिंग करवाते हैं। दूसरा रहता है हमारा ड्रेनेज लाइन के लिए, कि जैसे एक कैचमेंट एरिया जिस तरह से एक ड्रेनेज चल रही है, उसको कैसे वहाँ का स्टोरेज किया जाए, और ताकि उस पानी को खेतीबाड़ी के लिए और दूसरे कामों में अपने लोग ला सकें। प्लांटेशन करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम वाटरशेड में कवर करते हैं। दियोन पंचायत जो है हमने इसीलिए सिलेक्ट किया, ये हमारा नाबार्ड का दूसरा वाटरशेड प्रोजेक्ट है सांबा जिले में। इससे पहले हमने कथार रजूल मोहरगढ़ पंचायत में वहाँ इम्प्लीमेंट किया था। अभी ये जो हमारे नाबार्ड वालों ने और कृषि ज्योति जो संस्था जो इन्होंने हमें जो गाइड किया हुआ है इधर, लोगों को अवेयरनेस दी है, तो इसलिए हमने ये लगाए हुए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने हमें जो गाइड दिया। अभी पहले मोहरगढ़ पंचायत थी, इसमें बहुत सारे काम हुए थे, उनको देख के हमें भी इनके अप्रोच की हमने, तो इधर भी ये एरिया हमारा देवन पंचायत लिए है, तो और बहुत काम कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही जानकारी मिल रही है जो जो इन्होंने दी हुआ है। दियोन पंचायत है, इसको हमने सिलेक्ट किया है। वाटरशेड डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट रहता है नाबार्ड का, उसके अंदर वाटरशेड प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि एरिया ट्रीटमेंट। गाइड किया हुआ है इधर, लोगों को अवेयरनेस दी है, तो इसलिए हमने ये लगाए हुए हैं।